पास लगे रजा हक की है सदा हश्र तलक जारी रहे फैले रजा मुस्तफा चल रहे मुस्तफा जल रहे जलसा हश्र के गम सजाते रहे मुस्तफा जल हमारे उस्ताद ग्रामी जिनका भी आप समाज करेंगे एक शेर मैं हुजूर ताजू शरिया ईशान गान पहुंचाता हूं बहुत सारे दीवाने बस्ती बस्ती करिया करिया उनके मिलते हैं मैं पहुंचा रहा हूं समाज कर ले पूरा मजमा बहुत बस के या रसूल अल्लाह कि पीर कामिल है ताजू शरिया पीर कामिल है ताजू शरिया जो बने जाके मेहमान काबा फिर काजू शरिया जो बने जाके मेहमान काबा फिर जो भी शेदाए अहमद रजा है जो भी शेदाए अहमद रजा है अरे उनका नारा लगाते रहेंगे जो भी शेदाए अहमद रजा है उनका नारा लगाते रहे हम और आप अजीम खतीब का इस्तकबाल करें जिनका इस्तकबाल आपके इस गांव में आपके शहर में आपके कस्बे और आपके जिला में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में खिते खिते में सुबह सुबह जात में किया जा रहा है जिनकी खिताबत की धूम हिंदुस्तान के अक्सर सुबह जात में बज रही है चाहे सहाफत का मैदान हो लोग तहरीके तहरीरें पढ़कर भी आपको जानते हैं खिताबत सुन के अवाम समय के लोग और बड़े बड़े अकाबरीन उलमा तहरीरों की शक्ल में आपको जानते हैं वो अजीम शख्सियत मिंबर नूर पर खिताबत फरमाने के लिए तशरीफ फरमा है बस एक ही दो मिनट के अंदर वो कुर्सी खिताबत पर आपसे रूबरू होंगे जिनको दुनिया सुनियत आलम इस्लाम आखिर तकाबुल अदियान शहंशाह खिताबत फखरे सहाफत हजरत अल्लामा मौलाना साहब अली साहब चंदा चतुर्वेदी चीफ एडिटर इमाम अहमद रजा मैगजीन वो प्रिंसिपल दारुल उलूम इमाम अहमद रजा बिंदेश्वरपुर सिद्धार्थ नगर के नाम से जानती और पहचानती है आइए जहां हिंदुस्तान के अंदर गोशे गोशे के अंदर सुबह सुबह में आपका इस्तकबाल होता है आइए उसी अजीम खतीब का इस्तकबाल मोहब्बतों के साथ करें और झूम के नारा लगाए नारे अरे ऐसा नारा लगाइए नारे रिसाला ऐसा
ऐसा नारा लगाओ ताकि मैं कहूँ कि जी तो लगता ही नहीं है वादी कश्मीर में और या इलाही लिख के तैबा का सफर तकदीर में और कैसरों कैसरा कहीं जाते हैं जिस आवाज से है वो ताकत सुन्नियों के नारे तकबीर में वही नारा लगाइए मेरे साथ छक्के लगाइए नारे तकबीर नारे भूस का छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने भूस का छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने फिर भी काबा झुक गया था उनके घर के सामने और नामे अहमद में जबर खालिक ने रखा इसलिए जेर हो जाए जमाना इस सबर के सामने। अब माइक पर हुजूर होंगे और आप होंगे। अस्सलाम वालेकुम।